बस ये थोड़ी दिन और जिगर में इतना तो जान गया, जीने के लिए बस एक ही वजह काफी है। राधे श्याम के सेट पर पूजा हेगड़े से नाराज हुए प्रभास, क्या है इसका रीजन और क्या प्रभास ने बंद की पूजा हेगड़े से बात। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाय। दोस्तों, साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम के लिए बहुत भयंकर बस बना हुआ है। जब से इसका मोशन पोस्टर रिलीज हुआ तभी से इसकी जो एक्साइटमेंट है वो सातवें आसमान पर है। लेकिन अब सेट से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो कि चौंकाने वाली है। ये कहा जा रहा है कि पूजा हेगड़े से प्रभास नाराज़ हो चुके हैं और लगातार ये नाराज़गी बढ़ती ही जा रही है। इसका क्या रीज़न है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल पूजा हेगड़े सेट पर बहुत ज़्यादा लेट आती है जिस वजह से शूटिंग भी डिले होती जाती है। ऐसे में प्रभास बहुत ज़्यादा नाराज़ है पूजा हेगड़े से और ये भी कहा जा रहा है कि वो पूजा से बात नहीं कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल है पूजा हेगड़े सेट पर, कई चीज़ें वो मानती नहीं है और इस रवैये से मेकर्स भी परेशान हैं। आपको बता दें, स्टार प्रभास और पूजा हेगड़े एक साथ निर्देशक राधा कृष्ण कुमार की फिल्म राधे श्याम में साथ नजर आने वाले हैं और पहली बार एक दूसरे के साथ ये स्क्रीन शेयर करेंगे। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसकी ज़्यादातर शूटिंग यूरोप की हसीन वादियों में हुई है। फिल्म में लंबे वक्त बाद प्रभास एक बार फिर से रोमांटिक रोल में नजर आएंगे। इससे पहले लास्ट टाइम वो डार्लिंग फिल्म में नजर आए थे जिसमें उन्होंने खूब जमकर रोमांस किया था और अब बारी है एक बार फिर से पर्दे पर रोमांटिक प्रभास को देखने के लिए। ऐसे में इन दोनों सितारों के बीच में जो मनमुटाव है उससे कहीं ना कहीं शूट पर फर्क पड़ता है, साथ ही एक्टिंग पर फर्क पड़ता है। जब इनकी केमिस्ट्री अच्छी होगी तो पर्दे पर भी और उभर कर आएगी। ऐसे में इन दोनों को अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए और पूजा हेगड़े को भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होने की जरूरत है। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि ये जो कहानी है वो प्यार की महाकाव्यात्मक कहानी है, बहुत कुछ खास है। मोशन पोस्टर में आपने देखा होगा कैसे अलग अलग लव स्टोरीज दिखाई गई, उसके बाद पूजा हेगड़े लहराते हुए दुपट्टे के साथ आती है, प्रभास उनका बहुत ही रोमांस से हाथ पकड़ते हैं और ये जो फिल्म है वो कई जगहों पर शूट की जा रही है यूरोप में। इसके खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही इंडिया में भी इसका शूट होना है। अब देखना होगा कि पूजा और प्रभास की जो ये अनबन है ये कब तक सुलझती है। वहीं आपको बता दें कि ये फिल्म 14 जनवरी को रिलीज़ किया जाना था लेकिन कोविड के बढ़ते केसेस के चलते ये फिल्म शूट ही नहीं हो पाई टाइम पर और अब इसे 2022 में रिलीज़ करने का प्लान है। वैसे आप कितना वेट कर रहे हैं प्रभास और पूजा की इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।